हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बनाने वाले हैं उपमा। और इसकी सिंपल प्रिपरेशन होती है, एज यूजुअल सबके घर में बनती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड और उसमें डालेंगे सरसों। थोड़ी सी सरसों, जब सरसों अच्छे से चटक जाए तब फिर इसमें हम मीठी नीम की पत्ती वगैरह डालते हैं, बट मैंने इतना कुछ नहीं किया है। सिंपल प्याज है, प्याज को हल्का फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाए, अभी टाइम लगेगा थोड़ा, ये सारा प्याज, ये थाली मैंने इसे लिया क्योंकि मुझे अभी इसमें रोटियां बनानी है। अब इसमें मूंग का दाल 2 बड़े चम्मच आप डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट। फिर इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते 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 इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए इस फ्लेम को तेज कर देंगे ताकि जल्दी हो। और क्योंकि बच्चे हैं घर में तो बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं डालनी है, लेकिन टेस्ट को थोड़ा इन्हेंस करना है तो 2 मिर्ची और थोड़ा सा जिंजर, इसको हम डाल के वापस से पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग थोड़ा, जब देखिए आप कलर चेंज हो गया है, दाल का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा ब्राउनिश हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, लास्ट में धनिया, और ये सूजी मैंने ले रखा है। बस इसको पकने देंगे काफ़ी देर, कम से कम जब तक सॉफ्ट ना हो जाए मूंग का दाल तब तक इसको हमें पकाना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, उसको एकदम जैसे होता है ना एकदम चिपचिपा नहीं कर देना है, क्रंचीनेस रहनी चाहिए। उसके बाद सूजी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। सॉल्ट वगैरह डाल देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बस सिंपल, आप इसमें टेस्ट इन्हेंस करने के लिए चीनी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, कोई खाता नहीं मेरे घर में, तो सिंपल नमक बस। जब तक इसका पूरा पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करके पकाते रहेंगे। अगर आपको पानी थोड़ा इसमें कम लग रहा हो तो पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम लोग गार्निश कर देंगे हरी धनिया पत्ती से और ढक देंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे फ्लेम ऑफ और सर्व कर देंगे। बच्चों के लिए छोटा थोड़ा क्वांटिटी और बड़ों के लिए जितना पर्पस होता है। फिर हम लोग टेस्ट करते हैं कैसा बना है। मेरे लिए सही बना है क्योंकि मुझे हल्का ही पसंद है। ये आराध्या आज फिर से अपने दादी घर आए।